मैच द फॉलोइंग था ये, कोऑर्डिनेशन एक तरफ दिए हैं पी क्यू आर एस और उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अपने को यहां पर बातें बतानी। पैरा मैग्नेटिज्म, आयनाइजेशन, डाया मैग्नेटिज्म, सिस ट्रांस, अच्छा ज्योमेट्रिकल और साथ में स्ट्रक्चरल भी है, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल और साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर, इनको कंपेयर करना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये हमारा जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है पी का 3, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है आप लोगों का। क्यू का 1, ये भी मैच कर रहा है। आर का 2 और 4 दोनों दिया है, एक बार चेक कीजिए और बताइए मुझे क्या आर का 2 और 4 दोनों हो सकता है और एस का 4। एस का सभी लोगों ने 2 बताया है, सभी ने 2 बताया, ऐसा तो नहीं है मेरे पास जो आंसर की है उसमें कुछ गड़बड़ है। एक बार वेरीफाई कीजिए और बताइए, यहां मेरे पास जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आर का 2 और 4, पी क्यू सभी का मैच कर रहा है, आर का 2 एंड 4, एस का 4। एक बार देखिए आप लोग भी और बताइए मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एस का 4 बताया जा रहा है, चलिए चेक कर लीजिए ये आयनाइजेशन शो करेगा या नहीं करेगा, आयनाइजेशन शो करेगा या नहीं करेगा। एक मिनट, इसमें कुछ टाइपिंग में मेरे को गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यहां पर भी नाइट्रेट है और बाहर भी नाइट्रेट है, यहां पर भी नाइट्रेट है और बाहर भी नाइट्रेट है, तो आयनाइजेशन शो करेगा या नहीं करेगा, तो इस हिसाब से तो नहीं करेगा फिर। एस का आप लोग बता रहे हो 2, डाया मैग्नेटिक सिस ट्रांस, तो ये Ma4B2 है, ये तो शो कर जाएगा सिस ट्रांस, सही है। और ये डाया मैग्नेटिक होगा या नहीं होगा ये चेक कर लेते हैं, वो कैसे, ये अमोनिया का चार्ज तो 0 हो गया, CO का चार्ज निकालना है, नाइट्रेट का -1 तो ये हो गया -2 और ये हो गया -1, ये हो गया +3। कोबाल्ट का होता है 27, 4s2 3d7, तो 4s0 3d6, 3d6 d6 के अकॉर्डिंग हम इसको भरना चालू करेंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब लाइगेंड आएंगे, लाइगेंड अप्रोच करेगा तो यहां पर पेयरिंग कराएं या ना कराएं, तो नाइट्रेट और अमोनिया 2 हैं ये, और मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO+3 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO+3 है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, डाया मैग्नेटिक में चला जाएगा। आर का 2 नहीं होगा, अच्छा देख लेते हैं आर को भी देख लेते हैं, एस का 2 ही होना चाहिए, आप लोग सही कह रहे हैं एस का 2 होना चाहिए, और आर वाले का 2 नहीं होगा, ठीक है ये भी देख लेते हैं, आर का आर ये है, एम ए ए बी सी ऐसा है ना, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया तो ये आर का बता रहे हैं 2 नहीं होगा, तो इसको भी देख लेते हैं क्या ये आइसोमेरिज्म हमारा शो करेगा, तो ये सिस ट्रांस शो करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं सिस ट्रांस के ऊपर जाऊं तो नहीं बनेगा, सिस ट्रांस नहीं बनेगा, आर का 2 नहीं होगा, सही बात है। अगर मैं सिस ट्रांस के ऊपर गया तो ये कहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये EN तो एक साइड में बन जाएगा तो दूसरे साइड में नहीं बन पाएगा, आर का 2 नहीं होगा, आर में डाया मैग्नेटिक हो जाएगा पेयरिंग कराने से और आयनाइजेशन हो जाएगा, आर का 4 होगा, सही है आर का 4 होगा और एस का 2 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, आप लोगों का बिल्कुल सही है, आर का 4 होगा और एस का 2 होगा, पी का 3, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 2, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, R का 4 और S का 2 होगा।